तो आज हम लोग जो है इंटरव्यू के लिए कि जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं किस प्रकार से इंटरव्यू दिया जाता है, हमें किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। बच्चों इसमें जो है सभी एक एक करके पार्ट को, इंटरव्यू वाले पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक, आइए। अच्छा, पहले तो बात ये है कि यदि हम प्लस आठ का बटन बंद करिए, इंटरव्यू में ये सब अलाउड होगा, है ना? दोनों बटन लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। अब एक बटन लगाएंगे, एक बटन खोल के रखेंगे, फिर बटन ही हटा लीजिए, ठीक है, बैठ जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी यदि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाले से पहले हम आने की बैठने की इजाजत लेते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे मैं आई कम इन सर, ठीक है। तो जो है हम लोग टूल्स के बारे में जो है एक एक करके जानकारी लेंगे, आपको जानकारी होगी भी चूंकि आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड संबंधित है, ठीक है? तो तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आयुष कुमार सिंह है। अच्छा, कौन सा सेशन है आपका आईटीआई का? मेरा 22 से 25 है, मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ। अच्छा, 22 से 25 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है, ठीक है। चलिए, तो ये जो टूल्स रखा है सामने, इसके बारे में जानते हैं? यस सर। मल्टीमीटर इसमें कहाँ पे रखा है? मल्टीमीटर यहाँ। अच्छा, ये मल्टीमीटर है, ठीक है, रखेंगे, ठीक, वो मल्टीमीटर है। क्लैंप मीटर? क्लैंप मीटर यहाँ पर। कार्य बता सकते हैं कि क्लैंप मीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्लैंप मीटर का प्रयोग हम तारों के ऊपर से धारा जो प्रवाह हो रही है उसको नापने के लिए, क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का, यानी कि आपके हिसाब से जो धारा उसमें चल रही है, जो आपके पीछे, यदि हम उसका मतलब मान लेना हो तो क्या इसके सहारे ले सकते हैं? यानी इंसुलेशन के ऊपर से, इंसुलेशन के ऊपर से। अच्छा, इंसुलेशन के ऊपर से ये कार्य करता है, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। इसके बारे में बताइए। इसको हम जिमलेट कहते हैं। जिमलेट कहते हैं। कार्य क्या है इसका? कार्य सर, इसको मान लीजिए किसी बोर्ड वोर्ड में छेद करने के लिए करते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, बोर्ड ही क्यों, हल्के नम्य पदार्थ, हल्के नम्य लकड़ियां, हल्के नर्म माइकास इत्यादि पे होल करने में ये सहायक होता है, सो इसलिए हम अपने ट्रेड में इसको रखते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे बैटन कटिंग की बात आ जाए, ठीक है, तो वहां पे इस तरीके की यदि औजार इक्विपमेंट, पहले तो समझ लीजिए जो आपका ट्रेड है, जब आप टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं या टूल्स के बारे में आपको नॉलेज है, तो कार्य के आधार पे, किसके कार्य के आधार पे टूल्सों का चयन होता है। 100 की सीधी बात, जैसा आपका कार्य होता है वैसा ही आपका टूल्सों का चयन होता है, ठीक है। अब काम है तार जोड़ने का, आप वहां पे लेके पहुंच गए क्या फाइल, तो कैसे काम होगा? नहीं। अब तो भाई वहां पे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी, प्लायर्स की जरूरत होगी, है कि नहीं? प्लायर यहाँ पे कहाँ रखा गया? कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm, कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm। हाँ, अच्छा, ये है इसके आगे वाले भाग को, जो ये वाला भाग है, ठीक है, उसका नाम बता पाएंगे क्या? इसका नाम टिप बोलते हैं। अच्छा, इसको टिप बोलते हैं, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं कुल? इसके 5 भाग होते हैं। पांचों का नाम याद है आपको? सर, इसको टिप बोलते हैं, और इसको जॉ बोलते हैं, इंसुलेटेड हैंडल हो गया, इंसुलेटेड हैंडल हो गया, इसलिए इंसुलेट क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रिप वाली जगह कौन सी है? ग्रिप किसको बोलते हैं? अच्छा, ग्रिप इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक, चलिए, अच्छी बात, ठीक है। चलिए आगे, सी क्लैंप आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ? सी क्लैंप, क्लैंप सर यहाँ। अच्छा, इसको सी क्लैंप बोलते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या हो? इसका कार्य मान लीजिए किसी भी सनमाइका हो गया, चाहे पतला हो गया, उसको चिपकाने के लिए। अच्छा, उसको पकड़, हाँ, चिपका सकते हैं, परस्पर चिपका सकते हैं, ठीक है, ठीक, सही है, ठीक है। हैंड वाइज का प्रयोग आपको पता है? हैंड वाइज, हैंड वाइज, यस सर। यहाँ पे कहीं है हैंड वाइज? इस टेबल पे कहीं भी आपको हैंड वाइज दिख रहा है? सर, हैंड वाइज। अच्छा, ये हैंड वाइज है। अच्छा, इस हैंड वाइज से क्या करते हैं? इस मतलब कि छोटी मोटी क्वाइलों को या कुंडली को इसके जाकर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इससे हम मतलब, हाँ बराबर, यानी छोटी छोटी कुंडलियां या ज्वाइंट वगैरह बनाने में ये हमारा सहायक होता है, सही है, सही, ठीक है। तो डिशोल्डरिंग गन पता है कहाँ है? यस सर, डिशोल्डरिंग गन, इसको, इसको डिशोल्डरिंग गन बोलते हैं। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें कि डिशोल्डरिंग गन बोलते हैं?
पता है या नहीं है? सर इसके बारे में पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो सीधा बोलिए कि जानकारी नहीं है। ठीक है, ज्यादा घुमाने की क्या जरूरत है जब आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, यदि नहीं जानकारी है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको जानकारी भी दूंगा, दीजिए बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं डिशोल्डरिंग गन। ठीक है, और क्या होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किटों के ऊपर जब क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ सोल्डिंग का अल्पतमान उसके ऊपर ही गिर जाता है, जो देखने में भी खराब लगता है और आपके किट के लिए भी बेकार चीज है। तो वहां पे क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने लीवर को प्रेस करते हैं। ये आपका क्या है, लीवर है, इसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर को हमने प्रेस किया और यहाँ पे देखिए एक पुश बटन दिया है। ठीक है, तो जहां पे ये गिरा हुआ है तो हम ऐसे लगाते हैं और लगा के सीधे, यानी कि जो होगा एयर के माध्यम से वो तुरंत अंदर खींच लेता है, बाकी आगे का हम नॉप निकाल के सारा मटेरियल निकाल लेता और दोबारा आपके यूज में भी आता है। ठीक है, तो इसका काम ये। ठीक, अच्छा बात। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर तो नहीं बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। सेट स्क्वायर भी नहीं बोलते, तो क्या इसको ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। ट्राई, हाँ, ये ट्राई स्क्वायर है आपका। ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के इक्वेशंस में आपके काम आता है, जो आप पैरेलल लाइन बनाते हैं इससे बन जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। माइक्रोमीटर कहीं दिख रहा है आपको? माइक्रोमीटर, हाँ, यहाँ पे कहीं रखा गया है क्या, टेबल? यस सर, यहाँ ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसमें जो थिंबल किसको बोलते हैं, कौन सा भाग इसका थिंबल कहलाता है? ये इसको थिंबल बोलते हैं। अच्छा, ये थिंबल है। स्पिंडल वाला भाग कौन सा है? स्पिंडल किसको बोलते हैं? स्पिंडल सर इसको बोलते हैं। स्पिंडल तो एनविल फिर कौन है सर? इसको इसको स्पिंडल बोलते हैं, इसको एनविल बोलते हैं। हाँ, इसको थिंबल। हाँ, इसको रैचेट स्टॉक बोलते हैं। अच्छा, उसको रैचेट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जानकारी। ये लॉकिंग स्क्रू है। अच्छा, वो लॉकिंग स्क्रू है, इसको फ्रेम। अच्छा, उसको फ्रेम बोलते हैं। ये किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? यस सर, माइक, ये तो नहीं। अच्छा, ये नहीं पता है, तो चलिए हम बता देते हैं। ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? नट बोल्ट, नट बोल्ट पे। इससे हम मतलब मान जो होता है, इसे आप क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, वो किस में लेते हैं? इसका मान एमएम में लेते हैं। अच्छा, एमएम में लेते हैं। इसका मिनिमम मान क्या होता है? 0.01 mm। 0.01 mm। अच्छा, ठीक 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 है। बॉल पिन हैमर आपको कहीं दिख रहा है? यस सर, इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। अच्छा, इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। इसमें आई होल कहाँ पे है? आई होल किसको बोलते हैं? इसको आई होल। अच्छा, इसको आई होल बोलते हैं। ठीक है, और इसका फेस किसको बोलते हैं? फेस, यदि कोई पूछ दे तो। और चिक? चिक किसको? नहीं, चिक उसको नहीं बोलते, इसके ऊपरी भाग को चिक बोलते हैं। चलिए ठीक है, उसको जब वो आई, देखिए इसके नाम में ही उसका वो गुण छिपा हुआ है, क्योंकि वो कैसा दिख रहा है? वॉल की तरह, वॉल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब वो भाग जो है वॉल टाइप ही दिखलाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? वॉल पेन हैमर, वॉल पेन हैमर। ठीक है, ट्रायंगुलर फाइल आपको दिख रही है कहीं? ट्रायंगुलर फाइल, यस सर, यहां पर। अच्छा, ये ट्रायंगुलर फाइल है। ठीक है, सही है। राउंड फाइल? राउंड फाइल। अच्छा, ठीक ठीक। क्रिम्पिंग टूल? क्रिम्पिंग टूल, अच्छा, इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल। अच्छा, इससे क्या काम करते हैं सर? तारो, मतलब इसको, इसको क्या बोलते हैं, लॉग या स्पैड? अच्छा, लॉग या स्पिंडल से सर इसको हम दाब पर तारो को इसमें लगा कर हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक 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 ठीक, ओके, ठीक, थैंक, ठीक है, ओके, थैंक।